केरल में बारिश और बाढ़ से तबाही में अब तक 46 लोग जान गंवा चुके हैं। अगले आधे घंटे तक हम आपको मौत बांटती बाढ़ की एक एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले हाहाकार मचाती कुछ तस्वीरें। महासैलाब में सड़कों पर इंसान बह, विकराल बाढ़ में बस्ती में भगवान बह, प्रचंड पानी के प्रकोप से पूरा का पूरा पहाड़ बह गया। मतवाले पानी ने सेकंड भर में गाड़ियों को बहा लिया। चार राज्य चार राज्यों में 72 घंटे में 125 से ज्यादा इंसानों की मौत। महाराष्ट्र से केरल तक कातिल बाढ़ का कोहरा। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश बने बाढ़ प्रदेश। शहर शहर हजारों इंसान जलबंधक। जल, जमीन और आकाश से मदद को उतरे देवदूत। देखिए मौत वाली बात। खबर की खबर यह कि केरल में हर घंटे बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारी बारिश के चलते वहां कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं मकान बह रहे हैं और कहीं इंसान बहे जा रहे हैं तो कहीं बेजुबान। सबसे डराने वाली तस्वीर वायनाड से आई, जहां के सांसद राहुल गांधी हैं और कल वो वहां का दौरा भी करने वाले हैं। कुदरत के क्रोध की गर्जना ऐसी कि कान सुन्न पड़ जाए, सैलाब का रौद्र रूप ऐसा कि कलेजा कांप जाए। ये अगस्त में बाढ़ के बेकाबू होने की तस्वीर, ये मतवाले पानी के आउट ऑफ कंट्रोल होने का वीडियो। पहाड़ से हाहाकार मचाता पानी नीचे आया और सामने जो कुछ पड़ा उसे गिराता, ढहाता और बहाता चला गया। जरा सोचिए जिस बस्ती में हाहाकार मचाता यह सैलाब घुसा होगा वहां का मंजर कैसा होगा।
महज कुछ सेकंड में पहाड़ों को चीरता और बहाता यह सैलाब मलबे के साथ बस्ती में घुसा और वहां चारों तरफ तबाही मचा दी। मकान, दुकान, मंदिर, मस्जिद, खेत खलिहान सब इसकी चपेट में आ गए। बड़ी बड़ी गाड़ियां मलबे में दब गए। ऐसा लगा एक झटके में पूरी बस्ती ने जल समाधि ले ली। बताया जाता है कि लैंडस्लाइड के बाद वायनाड में जो बादल फाट तबाही आई उसमें 14 लोगों की मौत हो गई। कैसे, जरा तस्वीर देखिए। देखिए, मूसलाधार बारिश के बीच एक आदमी छाता लेकर सड़कों से गुजर रहा है। तभी आसमान से पानी का ऐसा प्रहार हुआ कि पहाड़ कांप उठे। अचानक आई तबाही से इस इंसान ने बचने की कोशिश की, लेकिन पहले उसका छाता उड़ा और फिर वो इंसान सैलाब की चपेट में आ गया। देखते ही देखते वो पानी में बहता चला गया। बताया जाता है कि वायनाड में सड़क से गुजर रहा एक और परिवार पहाड़ गिरने की चपेट में आया। एक शख्स की पत्नी, एक बच्चा और उसकी माँ पानी में बह गई। अभी तक उसका अता पता नहीं। वायनाड में पागल पानी ने जिंदगी को किस कदर पटरी से उतार दिया है उसकी और तस्वीरें देखी। आसमान से वहां लगातार आफत बरस रही है और बस्तियों को विकराल बाढ़ ने बेदम कर रखा है। जहां तहां लोग फंसे हैं और एनडीआरएफ और सेना के लोग उन जिंदगियों को बचाने में जुटे हैं। वायनाड के जिन घरों में 3 दिन पहले तक इंसानों का बसेरा था वहां पानी का कब्जा है। इतना पानी कि वहां रहना मुमकिन नहीं। जिस गिरजाघर में 3 दिन पहले तक ईश्वर की आराधना होती थी वहां सैलाब का खौफ बह रहा है। 4 दिन हो गया पर पूरा पानी आया। ये बारिश का पानी है, डैम का पानी नहीं है। वो उधर का आदमी पूरा कैंप में फंसता है अभी, पर कोई आदमी नहीं है। अंदर क्या क्या हो गया हमने को मालूम नहीं है। नहीं, इधर पानी कहाँ से आ रहा है? वो कहाँ से आ रहा है मालूम नहीं, डैम से नहीं। वायनाड में एनडीआरएफ और सेना के जवान कहीं दुधमुहे बच्चे को बचा रहे हैं तो कहीं 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला को। देखिए, बगल में डराने वाला सैलाब बह रहा है और आसमान से लगातार बरसात और यहाँ जिंदगी पर जंग बचाने की जंग चल रही। जवानों ने यहाँ ह्यूमन चेन बनाई, कुछ लोगों ने डोली बनाकर उसमें गर्भवती महिला को बिठाया और फिर उसे बस्ती से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया और इस तरह एक साथ 2 जिंदगियां बचाई गई। केरल के वायनाड में बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही मची। कई रास्ते और पुल बंद हैं तो कई बह गए हैं। ऐसे में हजारों लोग पानी में फंसे हैं जिन्हें देवदूत बनकर एनडीआरएफ और सेना के जवान पानी से निकाल रहे हैं। दक्षिण से आपको मध्य की तरफ लिए चलते हैं जहां प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बाढ़ ने कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए हैं। वहां सड़कों पर निकलने का मतलब है जान को जोखिम में डालना। वहां सैलाब में बहने के चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है। कह
कहीं नौजवान बह गया तो कहीं बच्चा। कहीं बेजुबान बह गया तो कहीं इंसान। देखिए कि इंसान सैलाब में डूबे रास्ते को पार करने की कोशिश करता है तो अंजाम क्या होता है। देखते ही देखते वो बाढ़ में बह जाता है। नदी की तेज धारा उसे आगे बहा ले जाती है। कलेजे को कपा देने वाली ये तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की है। वहाँ के झिरनिया में भारी बारिश के बाद रूपारेल नदी उफान पर है, जिसका पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है। वहाँ रास्ते पर इतना पानी है कि उसमें कदम रखने की सोचने का मतलब है मौत। लेकिन एक इंसान इसमें चलने लगता है, उसे लगता है कि वो उस रास्ते से निकल जाएगा, लेकिन वो नदी में बह जाता है। करीब आधा किलोमीटर बहने के बाद नदी की धारा उसे किनारे लेकर जाती है और इस तरह उसकी जान बच जाती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी एक युवक पानी के तेज बहाव में बाइक के साथ बह गया। उस युवक को भी ऐसा लग रहा था कि वो पानी से भरे पुलिया को पार कर लेगा, लेकिन पानी के पावर ने उसे बाइक समेत बहा लिया। एमपी के नीमच में एक शख्स को ऐसी ही गुस्ताखी भारी पड़ी। ये शख्स बाढ़ के पानी में टिकटॉक वीडियो बना रहा था, तभी डूबने लगा। गनीमत रही कि समय रहते गांव वालों की नजर उस पर पड़ी और उसे सही सलामत बचा लिया गया। बाढ़ से बेहाल मध्य प्रदेश के कई गांवों में सड़क कहाँ और नदी कहाँ फर्क कर पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जो लोग उन रास्तों पर कदम रखते हैं, जान जोखिम में होती है और कई लोग नदी में बह जाते हैं। शाजापुर में भी एक बाइक सवार अचानक सड़क किनारे गड्ढे में गिर गया। वहाँ भी भारी बारिश की वजह से सड़कें डूबी हुई हैं और इसी चलते ये हादसा हुआ। अब मध्य प्रदेश के बैतूल और सागर से आई दो तस्वीरों को देखिए। वहाँ भी भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर और ऐसे में बच्चों को जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ता है और तभी वो स्कूल जा पाते हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश के चलते वहाँ घर, दुकानें, मंदिर सब डूब गए। पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। बारिश और बाढ़ ने महाराष्ट्र के कई जिलों की सूरत बिगाड़ दी है। वहां सांगली और कोल्हापुर के हालात तो कुछ ज्यादा ही खराब हैं। दुकानें, बाजार, मॉल सब सैलाब में लापता हो गए। देखिए संवाददाता अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ की वजह से तमाम जगहों पर अभी भी पानी भरा हुआ है। छह दिन से हाईवे बंद है, मुंबई बेंगलुरु हाईवे। हम उसी हाईवे पे खड़े हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर भयावह मंजर यहाँ पर है। और आप देख रहे हैं जहां भी नजर जाएगी आपके सिर्फ यहाँ पर पानी पानी दिखाई पड़ेगा। कोई गाँव नहीं है बल्कि आपको मैं हाईवे दिखा रहा हूँ जो मुंबई बेंगलुरु हाईवे जाता है। इस वक्त मैं कोल्हापुर में मौजूद हूँ और ये कोल्हापुर का अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। हाईवे
कि किस तरीके से पूरा का पूरा हाईवे पानी में डूबा हुआ है। यह एक दो फीट पानी नहीं है, करीबन जो जानकारी बताई जा रही है कि करीबन 15 से 20 फीट के आसपास इस हाईवे पानी भरा हुआ है। इसके वजह से इस पूरे हाईवे को रोक दिया गया है और यह सिलसिला पिछले 6 दिनों से लगातार चल रहा है, जिसके वजह से तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों लाखों लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं और उस वजह से ना तो कोई कोल्हापुर से मुंबई की तरफ आ रहा है और ना ही कोल्हापुर से कोई बेंगलुरु तरफ जा रहा है। यह हालत काफी विचित्र हालत है, आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। देखिए जिस राइट हमारे दाहिने साइड कितने भी चाहे शोरूम की बात करें या फिर तमाम बड़े बड़े जो यहाँ पर जो रूम है या फिर होटल से सभी के सभी बात करें, सब के सब डूब चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर बुधले मंगल कार्यालय है, यानी कहाँ यहाँ का काफी प्रसिद्ध जगह है कोल्हापुर का, यह भी पूरा का पूरा डूब चुका है। जो होटल देख रहे हैं होटल भी डूबा हुआ है, यानी जहां भी जो देखेंगे पूरा का पूरा जो सैलाब आया हुआ है, जिस तरीके से जो बाढ़ आई है उस बाढ़ की वजह से पूरा का पूरा एरिया तबाह हो चुका है। और यह कह सकते हैं कि जो लोग जानकार है बताते हैं कि अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से इतनी प्रलयकारी बरसात आई है, जिसके वजह से तमाम जगहों पर पानी ही पानी भर गया। खबर की खबर, यहां एक छोटा सा ब्रेक। कहीं पुल धराशायी हो चुका है, कहीं गाड़ियां बह रही हैं, तो कहीं मकान गिरने से इंसानों की जान जा रही है। गुजरात में गरजती बाढ़ का कदर, पुलिया टूटी, गाड़ी बही, दीवार गिरी, इंसान मरे। देखिए चलते चलते एक ट्रैक्टर नदी में पलट गया, ट्रैक्टर फंसा तो उसमें बैठे सभी 10 लोग बहने लगे। इन तस्वीरों को देख स्थानीय लोग और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को बुलाना पड़ा, राहत और बचाव के लिए हेलीकॉप्टर आया तो 7 लोगों को जिंदगी मिल पाई, 3 का कुछ भी अता पता नहीं चला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिले के कलेक्टर खुद पानी में उतरे और रस्सी के सहारे लोगों को बाहर निकाला। ये तस्वीर गुजरात के मोरबी जिले के टंकारा की है, जहां एक पुलिस का जवान 2 बच्चियों को कंधे पर बिठाकर रेस्क्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर को देखकर लोग गुजरात के इस पुलिस वाले की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इनका नाम बाहुबली पुलिस जैसा दे रहे हैं। रेस्क्यू करने वाले पुलिस जवान का नाम पृथ्वी सिंह जडेजा बताया जा रहा है। पृथ्वी सिंह ने स्थानीय लोगों की मदद से 42 लोगों को पानी से निकाला है। नाडियाड में कुछ लोग अपनी जान नहीं बचा सके, लगातार तेज बारिश ने घर की इमारत तक को हिला दिया और वहां एक घर भरभरा कर गिर पड़ी, जिसकी वजह से 4 लोग काल की गाल में समा गए, जबकि 5 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर में पानी का प्रचंड वेग जीप को भी बहा कर ले गया। पानी में डूबी जीप को बाहर निकालने में गांव के लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन जीप है कि निकल नहीं पा रही। हालांकि गनीमत रही कि जीप में सवार 2 युवकों को ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया। गुजरात के कई जिलों में ना तो घर रहने लायक और ना ही रास्ते चलने लायक, देखिए वहां अर्थी ले जाने के लिए भी रास्ते नहीं है। पानी में ही लोग अर्थी लेकर शमशान घाट की तरफ जा रहे हैं। गुजरात के गोधरा के रेलवे स्टेशन को पानी ने पूरी तरह बंधक बना लिया है। बारिश ने मेहसाणा को भी अपनी चपेट में ले लिया है। साबरकांठा को जोड़ने वाले साबरमती पर बने पुल का कुछ हिस्सा धस गया, जिससे इस पुल को बंद करना पड़ा। गुजरात के कई जिले का हाल यही है, वहां बाढ़ है, हाहाकार है और चारों तरफ बर्बादी और बेबसी तैर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ से अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को महफूज जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। हमारे संवाददाता जब वहां के गांव में पहुंचे तो देखा कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर इस कदर है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोल्हापुर में और कोल्हापुर में हम इस वक्त बोट में चल रहे हैं, एनडीआरएफ की बोट में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो हालत है बहुत ज्यादा हालत खराब है। और इस तरीके से आप देखिए जो कोल्हापुर का जो सिटी है पूरी की पूरी तरीके से बाढ़ में
डूब चुकी है। यह हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा इलाका बाढ़ में तब्दील हो चुका है। और हम इस वक्त एनडीआरएफ की बोट से सिरोली गांव में जा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहां पर किस तरीके से तमाम जो जानकारी मिली है कि कुछ तीन प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन्हें वहां पर रेस्क्यू करना है, इसलिए हम निकल पड़े हैं रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाने के लिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और हमारे साथ एनडीआरएफ की टीम है, उनसे जान लेते हैं सर क्या कहेंगे कि कितने इलाके डूबे हुए हैं। सर तकरीबन यहाँ से जो पंचगंगा रिवर है वहाँ से 10 से 15 किलोमीटर का गहरा कल हमने शिवाजी पुल चिकली गांव और अंबेवाड़ी गांव में बहुत सारा रेस्क्यू किया। बहुत सारे लोगों को 90% लोगों को हमने वहाँ से इवैक्यूएट किया है और उनको सुरक्षित जगह पे पहुँचा है जहाँ पे कैंप लगे हुए हैं। यहाँ पर तमाम महिलाओं को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है, लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है और यह टीम जो है दिन रात काम कर रही है। कौन से महिला क्या बीमार है? देखिए जिस तरीके से डिलीवरी कली डिलीवरी हुई है उनको ले जाया जा रहा है अस्पताल में। देखिए एनडीआरएफ की जो जवान है किस तरीके से आखिरकार दिन रात मेहनत करके उन लोगों को बचा रहे हैं। देखिए बोट में करीबन जो मैं देख रहा हूँ करीबन 7 से 8 लोगों को बचाया गया है और उनको जो एक डिलीवरी हुआ है महिला को उनको ले जाया जा रहा है अस्पताल में। उसके बाद डायलिसिस जिनकी होती है उनको ले जाया जा रहा है और इस तरीके से आखिरकार जो जावाज जवान है एनडीआरएफ के उन तमाम लोगों को बचा रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही आर्मी और नेवी के जवानों को भी तैनात किया गया ताकि वह लोग भी लोगों की मदद कर सके। लोग पहले से टकटकी लगाए बैठे हुए देखे, लोग घुटनों के ऊपर कमर तक पानी में लोग पहले से खड़े हैं ताकि उनके पास जब टीम पहुंचे तो कम से कम उनके लिए दवाई खाना या फिर जो अन्य सामग्री है वह मिले या फिर उनमें जो इमरजेंसी जो है जो मेडिकल सर्विसेज चाहिए उनको तत्काल प्रभाव से उन्हें रेस्क्यू किया जाए। और यह कौन सा गांव है? ये करनूर करनूर गांव है। करनूर क्या करें सर, मतलब क्या एक कागल तहसील का करनूर गांव है। यहां पर आसपास के 2-3 विलेज है वहां से लोगों को यहां पर एकत्रित किया जाता है और यहां से लोगों को इवैक्यूएट करते हुए अंदर सिटी में यहां छोड़ा जाता है। यहां हम प्रायोरिटी देते हैं जो लोग बीमार है, बुड्ढे हैं या लेडीज है इनको प्रायोरिटी देते हैं, बच्चे हैं इनको दे करके पहले वहां पहुंचा देते हैं और साथ साथ उनको यहां जो आवश्यकता है मेडिसिन हो गया कुछ खाने पीने की चीजें हो गई वो इनको यहाँ पहुँचा देते हैं। बिल्कुल हम देख रहे हैं बात करते करते हम करनूर पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोगों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है कि आखिरकार जैसे ही यहाँ पर बोट पहुँच रही है वह लोग यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर पलके बिछाए बैठे हुए हैं कि लोग यहाँ पर आए। और हम लगातार आपको इस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से हालत कितनी खराब है। हम देखिए हमने बताया था कि यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी है और उन लोगों को ले जाया जाएगा यहाँ पर मौजूद है। देखिए छतों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं और लोग यहाँ पर बचाव और राहत कार्य की मांग कर रहे हैं। हालत बड़ी विचित्र है यहाँ पर। देखे किस तरीके से पूरा का पूरा गांव, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर कोई देखिए इस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर एक वृद्ध पुरुष है जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह डायलिसिस के पेशेंट है इसलिए तत्काल डायलिसिस जरूरी इनको था, इसलिए इस वक्त इन्हें एनडीआरएफ की बोट में देखिए जैकेट पहनाकर लाइफ जैकेट है उसको पहना के बैठाया जा रहा है और इन्हें अब शहर में जो अस्पताल है वहां ले जाकर भर्ती कराया जाएगा। तो इस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑफिसर लगातार देखिए जो महिला देख रहे हैं आप ये प्रेग्नेंट महिला है और इन्हें तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराया जाना है इसलिए इन्हें यहां से रेस्क्यू देखे किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुशील तस्वीरें इंडिया न्यूज पर कि किस तरीके से कोल्हापुर में जो बाढ़ की तबाही आई हुई है उसकी वजह से तमाम लोग परेशान हैं और यहां पर चाहे वह गर्भवती महिलाएं हों या फिर वृद्ध महिला पुरुष हों अन्य सभी लोग यहां पर परेशान हैं, फंसे हुए हैं पिछले 6-7 दिनों से। और अब देखिए किस तरीके से यहां पर जो प्रेग्नेंट महिला है उन्हें उठा पकड़कर यहां पर ले आया जा रहा है और इस बोट में जाएगा और उसके बाद आसानी से उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा ताकि वह जरूरी तरीके से वह पहुंच सके। खबर की खबर यह कि बाढ़ और बारिश से देश का करीब करीब आधा हिस्सा बेहाल है और इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे से रेस्क्यू की ये तस्वीरें सामने आई हैं। यहां बारिश के बहते पानी में एक युवक फंस गया, उसकी जान पर बनाई। करीब 1.5 घंटे तक युवक बहते पानी में लहरों के बीच फंसा रहा और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उसे बचा ले। इस बीच एक रिटायर्ड फौजी की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने सूझबूझ से युवक को कुछ ही देर में लहरों के संकट से बाहर निकाल लिया। खबर की खबर में आज के लिए इतना ही।